माता है ये दुर्गा माता का मोल्ड है, और इस पर ये गणेश जी का मेरे को दिख रहा है, गणेश जी का दुर्गा मूर्ति का मुकुट वगैरह यहाँ पर बहुत ही सुंदर दुर्गा मूर्तियों का मुकुट मिल जाए। ये शेरवाल देखो, ये व्हाइट कलर का कलेक्शन होने वाला है, देखो पूरा गोल्डन सिल्वर डायमंड व्हाइट हर एक कलर का आपको आपको लेस वगैरह अस्त्र शस्त्र मिलने वाली है, देख लो बहुत ही यहाँ पर अम्बे अस्त्र रावण का, रावण का अस्त्र, दुर्गा का अस्त्र, माता को लगाने का जो बाल काठी बाल बोलते हैं इसको, अच्छा तो ये बाल मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं हूँ मानक कैंप में, जहाँ पर आपको दुर्गा मूर्तियों का मुखौटा, दुर्गा मूर्तियों का कलर और माला वगैरह कहाँ मिलेगा। बहुत लोग मेरे को कमेंट्स में बताए थे कि ये सब आइटम कहाँ मिलेगा, आप एक बार बता दीजिए। तो मैं अभी हूँ मानक कैंप में, आप देख सकते हो यहाँ पर सामने जनता दशकर्म एंग पत्र भंडार माना में मिल जाएगा आपको। तो चलेंगे दुकान के अंदर, आपको सामने का व्यू दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर माला वगैरह टंगा हुआ है, तो अंदर चलेंगे दिखाएंगे आपको क्या क्या यहाँ पर आपको दुर्गा मूर्तियों का मुखौटा कलर वगैरह क्या क्या मिलेगा पूरा दिखाएंगे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो के साथ बनेगा, वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना, 100 लाइक का एम रखता हूँ, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलना। दोस्तों अभी मैं हूँ माना, जहाँ पर जनता दशकर्मा एंड पत्र भंडार प्रो सुभाष दास एंड सन्स, देख सकते हो पूरा बोर्ड का नंबर दिया है बोर्ड में, आप नंबर के थ्रू भी आ सकते हो इनके दुकान में। तो दिखाएंगे आपको दुकान में क्या क्या सामान मिलेगा, माला वगैरह और मूर्ति का मुखौटा वगैरह सब मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ सामग्री यहाँ पर खरीदी किए हैं, और वो जा रहा है, देख लो ये मूर्तियों का जितना भी यहाँ पर सामग्री है सब अब आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बताऊँगा क्या क्या आइटम आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो दिखाते हैं, चलिए अंदर चलते हैं, आपको एक एक करके आइटम मैं दिखाते जाऊँ। देखो यहाँ पर दुर्गा मूर्ति का मुकुट वगैरह यहाँ पर बहुत ही सुंदर दुर्गा मूर्तियों का मुकुट मिल जाएगा आपको, कितना सुंदर यहाँ पर देख सकते हो पूरा मुकुट वगैरह भी यहाँ पर, हमारे दीपंकर भाई यहाँ पर बैठे हैं। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको क्या क्या आइटम मिलेगी। देखो अभी कस्टमर बहुत ज़्यादा कस्टमर अभी भीड़ भड़क का है, क्योंकि पूजा का टाइम है, तो सभी यहाँ पर खरीदी करने के लिए आए हैं, और कुछ कुछ सामान यहाँ पर ले लिया भी जा रहा है। देखो ये देखो, ये देखो, और इस पर भी देखो पेंट पूरा। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ माना में, जहाँ पर आपको दुर्गा मूर्तियों का हर एक आइटम मिल जाएगा, कलर से लेकर मुखौटा तक माला वगैरह सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनके ये ऑनर है, आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। सुभाष दास इनका नाम है। तो आपसे मैं परमिशन मांग रहा हूँ, आपका दुकान का पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा क्या क्या आइटम मिलेगा। तो आप परमिशन दे रहे हो ना, तो परमिशन मिल चुका है, तो दिखाते एक एक आइटम। तो आप किसको दे रहे हो मेरे को बता दो, कौन दिखाएंगे। तो भाई साहब मेरे को अभी बताएंगे एक एक करके, इनसे मैं पूछूंगा यहाँ पर कौन कौन सी सामान मिलने वाली है। भाई आपका नाम भी बता दो एक बार मेरे को। मेरा नाम कबीर दास। तो भाई का नाम कबीर दास है। तो कबीर भाई आप मेरे को एक सामान बता दो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाली है, यहाँ पर क्या क्या आइटम ऐसे शुरू है बता दो एक बार। तो दोस्तों अभी मैं दुकान के अंदर आ चुका हूँ, आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या आइटम मिलने वाली है। हमारे साथ भैया जी जुड़े हैं, तो भैया जी बताएंगे यहाँ पर क्या क्या आइटम मिलेगा, यहाँ पर बता दो एक बार थोड़ा सा। भैया हमारे शॉप में तो मतलब मूर्ति के मतलब जितने भी सामान सब यहाँ अवेलेबल है, मुकुट से लेकर डाइस कलर हर चीज़ यहाँ मिल जाएगा आपको। जैसे आप मूर्ति बनाते हो, जैसे आपको आना रहेगा, तो यहाँ आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा एक ही दुकान में। तो अभी आप यहाँ पर क्या दिखाने वाले हो, यहाँ पर कौन से यहाँ पे मुकुट है ये। अच्छा ये देखो आप दुर्गा मूर्ति का यहाँ पर मुकुट वगैरह मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या रेंज से स्टार्टिंग है। यहाँ रेंज तो अपने पास 30-40 रुपए से स्टार्ट है, जैसे हल्का वाला 30-40 रुपए से लेके 5,000-10,000 तक का मुकुट, मतलब इससे भी ज्यादा रेंज का भी है। तो यहाँ पर जैसे नव दुर्गा का मुकुट भी मिल जाएगा, और दुर्गा का मुकुट भी मिल जाएगा। हाँ, सब मिल जाएगा, और जितने भी मतलब गणेश भगवान उनका भी मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर सब भगवान, मतलब यहाँ पर जितने भी है ना भगवान का, हर एक भगवान का यहाँ पर आपको मुकुट मिलने वाली है। आप देख लो यहाँ पर हमको दिखा दिया दुर्गा मूर्ति का मुकुट, और आपको लाइन से आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर जितने भी है ना पूरा डब्बे में आप देख सकते हो पूरा मुकुट वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। छोटे से छोटा मुकुट यहाँ पर मिल जाएगा, बड़े से बड़ा मुकुट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो देख सकते हो मुकुट की वैरायटी आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया मुकुट की वैरायटी मिलने वाली है। यहाँ पर देख लो यहाँ पर मुकुट है पूरे डब्बे में, आपको मुकुट की वैरायटी मिलने वाली है। और सामने आपको मैं दिखाऊंगा सामने, ये भैया आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है बताओ एक बार। भैया अस्त्र शस्त्र है यहाँ पर, अस्त्र शस्त्र मिलने वाली है, देख लो बहुत ही यहाँ पर अम्बे अस्त्र, रावण का अस्त्र, दुर्गा का अस्त्र, अम्बे का अस्त्र, हर एक अस्त्र यहाँ पर मिलने वाली है। मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर पूरा देखो रखा हुआ है डब्बे में, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र भी मिल जाएगी आपको। मतलब जो जो आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा पूरा आइटम दिखाऊंगा आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स के साथ। और ऊपर देख सकते हो ये माला वगैरह का कलेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लो छोटे से लेकर माला बड़ा तक आपको हर एक माला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो
पूरा ऊपर टंगा हुआ है, आप देख सकते हो पूरा माला की वैरायटी, और नीचे मुकुट, और उस पर आपको मैं दिखा दिया हूँ अस्त्र शस्त्र। तो चलते हैं उस पर, चलते हैं। देखो बहुत सारे कस्टमर भी यहाँ पर खरीदी करने के लिए आए हैं भाई लोग, तो आगे दिखाते हैं और क्या क्या आइटम मिलेगा। दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन में आ चुका हूँ, यहाँ पर आपको बता दूंगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा। तो भी यहाँ पर क्या मिल जाएगा बता दो थोड़ा सा। यहाँ पे जो बाल होता है माता को लगाने का, जो बाल काठी बाल बोलते हैं इसको, अच्छा, तो ये बाल मिल जाएगा आपको, एक हाथ दो हाथ ढाई हाथ तीन हाथ का, अच्छा हाँ ये बाल मिल जाएगा। फिर यहाँ आएगा वो जो शेर में लगने वाला बाल है, काला बाल है, अच्छा हाँ, फिर ये अपना बाल है सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मतलब जितने भी है ना शेर को लगने वाला बाल, काठी बाल भी मिल जाएगा, और जो भी है ना यहाँ पर बाल की वैरायटी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और इस पर क्या है, कलर है इसमें। इस पर अब देख लो यहाँ पर कलर वगैरह भी मिल जाएगा आपको, माता रानी को लगाने के लिए, फिर गणेश जी को लगाने के लिए, हर एक मूर्ति को लगाने के लिए यहाँ पर आपको कलर, हर एक वैरायटी का आपको कलर मिल जाएगा, हर एक कलर मिल जाएगा आपको, मल्टी कलर बोलो, सिंगल कलर बोलो, हर एक कलर मिल जाएगा आपको। देखो कलर की वैरायटी भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कलर की वैरायटी भी मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ, देखो यहाँ पर मूर्तियों का जो खाँचा रहता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मोल्ड मिल जाएगी। भैया जी आप मेरे को दिखाएंगे कौन कौन सी यहाँ पर मोल्ड मिल जाएगी। ये जो है देख लो आप, दुर्गा माता है, ये दुर्गा माता का मोल्ड है, और इस पर ये गणेश जी का मेरे को दिख रहा है, गणेश जी का मोल्ड, विश्वकर्मा, ये विश्वकर्मा का मोल्ड, और ये दुर्गा माता का फेस है दुर्गा माता का फेस आप देख सकते हो यहाँ पर, वो शेर का फेस है यहाँ पर, ये देखो ये शेर का फेस दिख रहा है आपको, ये भी शेर का फेस होने वाला है। और इस बार हनुमान है ना, वो गणेश जी है, गणेश जी का यहाँ पर फेस मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर जितने भी है। फिर उसके बाद आपको गहना है ना, जो भी मतलब मूर्तियों में मिट्टी से बनने वाला जो उनको डेकोरेट का है सामान सब मिल जाएगा यहाँ। अच्छा ये गहना वगैरह जैसे मिट्टियों से यहाँ पर बनता है, तो ये पूरा यहाँ पर मोल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। हाथ पैर बनाना हो तो ये भी आपको मिल जाएगा, सब रुद्राक्ष जो लगता है महादेव में सब उसमें। अच्छा रुद्राक्ष वगैरह, ये रुद्राक्ष वगैरह जैसे रहता है तो वो भी आपको ये मिट्टी से बनाने के लिए यहाँ पर साचा देख लो, ये भी है डायमंड वगैरह जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, ये भी आपको साचा यहाँ पर मिलने वाली है। उंगली पैर सब मिलेगा, हर एक आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर हर एक आइटम मिलने वाली है। तो देख सकते हो यहाँ पर है ना मूर्तियों से लेकर माला, डायमंड, हर एक आइटम मिट्टियों से जो बनता है वो, मिट्टी भी मिल जाएगा बोले, मिट्टी भी मिल जाएगा देख लो, गंगा माटी, काला माटी, हर एक मिट्टी भी मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद आप क्या दिखाने वाले हो मेरे को, इसके बाद चलेंगे साइड वाले रूम में, तो साइड वाले रूम में चलते हैं और दिखा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या बोलते हैं इसको, फर कपड़ा, शेर बाल। अच्छा शेर बाल बोलते हैं इसको, देख लो ये शेर बाल, देखो ये व्हाइट कलर का होने वाला है, कितना यहाँ पर बेहतरीन, मतलब हर एक आइटम आपको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलने वाली है आप मेरे को बता दो थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे आपको माला वाला मिल जाएगा जो भगवान को डालने के लिए सजाने के लिए। अच्छा यहाँ पर माला वगैरह मिल जाएगा और स्टोन मिलेगा, स्टोन, हाँ स्टोन वगैरह देखो ये उसको सजाने तो ये क्या रेट का होने वाला है, इसमें 20-25-30 रुपए से स्टार्ट। तो ये जो देख सकते हो स्टोन वगैरह मिल जाएगा 10-20 रुपए से स्टार्टिंग है। तो हर एक कलर का यहाँ पर आपको स्टोन मिलने वाली है और माला मिलने वाली है, मोतियों की माला मिलने वाली है, आप देख लो ये भी माला आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन आपको यहाँ पर वैरायटी मिल जाएगा। इस पर क्या है ये चीज़, ये सब हमारे जो बंगाली लोग का शादी वादी का सामान। अच्छा बंगाली लोगों का शादी वगैरह सामान जैसे दूल्हे का मुकुट वहाँ पर मिल जाएगा, मतलब शादी का कलेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, शादी का जैसे लगता है मुकुट लगता है, फिर दुल्हन का लगता है, और इधर कुर्ता पैजामा हर एक वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जनता दशकर्मा माना पात्र भंडार, हाँ जनता दशकर्मा माना पात्र भंडार माना में आपको पूरा वैरायटी मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे और भी दिखाएंगे, बहुत सारे वैरायटी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो चलते आगे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ एक और सेक्शन में, ये ना लाइन से लंबा दुकान है, तो एक एक करके मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्स के साथ मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पर माता जी का यहाँ पर साटन का कपड़ा मिलने वाली है, हर एक कलर में आपको मिल जाएगी, देखो येलो, पर्पल, ब्लू, पिंक, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, हर एक कलर का मिल जाएगा। और ये क्या चीज़ होने वाला है, ये लेस अभी है, ये लेस मिलने वाली है, देखो यहाँ पर लेस वगैरह, मतलब यहाँ पर हर एक आइटम मिल जाएगा, लेस वगैरह का कलेक्शन आपको पीछे मैं दिखा दे रहा हूँ घुमा के, ये देखो ये जितना भी है ना ये लेस है ना, ये लेस का कलेक्शन होने वाला है, देखो पूरा गोल्डन, सिल्वर, डायमंड, व्हाइट, हर एक कलर का आपको आपको लेस वगैरह मिल जाएगा। और इस पर क्या है, ये क्या चीज़ है, वो भी लेस ही है, ये भी लेस ही है, देख लो ये भी लेस ही है, आप आओगे इनके पास भर भर के पूरा माता का सामान मिल जाएगा, जितना भी मूर्ति वगैरह बनता है, जितना भी मूर्ति जैसे गणेश मूर्ति हो गया, दुर्गा मूर्ति हो गया, नवदुर्गा मूर्ति हो गया, हर एक मूर्ति का आपको सामान यहाँ पर मिलने वाली है।
तो कबीर भाई मेरे को बता दीजिए यहाँ पर क्या आइटम मिलने वाली है, यहाँ पर जितने भी दिख रहा है स्टोन स्टोन वर्क वगैरह। यहाँ पे अपने पास वेलवेट का कपड़ा मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख लो वेलवेट का कपड़ा मतलब जो माता रानी को पहनाते हैं, सारी कलर की सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको। अच्छा। यहाँ से अपने पास रेंज बहुत तक का है। अच्छा, यहाँ वेलवेट का, साटन का, आपको जैसे मूर्ति का आपको कोई भी सामान चाहिए। और ये जो व्हाइट कलर का दिखाया था पहले भी दिखा दिया हूँ, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो कलर आपको ऊपर भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो ऊपर क्या है, ऊपर भी लेस वगैरह मिल जाएगा आपको। देखो पूरा घुमा के दिखा दे रहा हूँ, और इस पर भी देखो लेस वगैरह यहाँ पर भी भैया लोग खरीदी कर रहे हैं। देखो तो भैया लोग आप लोग कहाँ से आए हो खरीदी करने के लिए, बता दो मेरे को। रायपुर। तो रायपुर से यहाँ पर भैया लोग खरीदी करने के लिए आए। देखो मूर्ति को जो बनाते हैं ना उसको पूरा सामान यहाँ पर मिल जाएगा, तो वही सामान यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। तो मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी सामान यहाँ पर मिलेगी, जैसे कान वगैरह का, जैसे मूर्तियों में कान में लगाने के लिए झुमके वगैरह, माता रानी को लगाने के लिए झुमके वगैरह यहाँ पर डब्बे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लेस वगैरह भी दिख रहा होगा। तो ये सारे सामग्री यहाँ पर आपको, तो दोस्तों मैं शुरू से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या सामग्री मिलने वाली है। यहाँ पर देख लो कलर वगैरह मिलने वाली है, ये भी कलर है, कलर है, ये भी कलर है, मूर्तियों का कलर वगैरह मिल जाएगा, मतलब पैकेट में पैक किया हुआ है और ये डब्बे में पैक किया हुआ है। और ऊपर देख लो, ऊपर भी बहुत सारे यहाँ पर बांसुरी है, यहाँ पर माला है, कलर वगैरह माला वगैरह, और देख लो सामग्री आपको एक एक करके पूरा सामग्री दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आपको काम होता है मूर्तियों में, तो वो इससे काम किया जाता है, औजार से काम किया जाता है। इधर औजार भी मिलने वाली है, देखो ये छोटा छोटा औजार। और यहाँ पर देखो कैमरामैन हमारे